नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने अपने सीनियर के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले को लेकर कल देर रात को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं, जिसका स्क्रीनशॉट जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकास वैभव ने होमगार्ड डीजी शोभा अहतकर पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपना दर्द साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि किस तरह से बेहतर काम करने के बाद भी उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उनके ट्वीट के मुताबिक वो इन दिनों डीजी मैडम से काफ़ी परेशान हैं। हालांकि पोस्ट करने के तुरंत बाद उन्होंने इसे डिलीट कर लिया। आपको वो स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं जिसमें विकास वैभव ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आईजी होमगार्ड और फायर सर्विस का दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी 9 दायित्वों को निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियाँ ही सुन रहा हूँ, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। यह जो ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में आईएएस आईपीएस कितने गालीबाज हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिहार के आईएएस के पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने जूनियरों को गाली देते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आ गया है। बिहार के चर्चित आईपीएस विकास वैभव ने डीजी पर यह आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने इस विभाग में ज्वाइनिंग किया है तब से उन्हें बेमतलब को गाली दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर विकास वैभव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो इन दिनों काफ़ी परेशान चल रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी बातों को लिखा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसको ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। उधर इस मुद्दे पर फिलहाल न तो फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की डीजी शोभा अहतकर और न ही बिहार पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार हैं। लेकिन इस मामले को जो लोग हैं काफ़ी गंभीर मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है कि कैसे एक चर्चित आईपीएस अधिकारी को कोई बड़ा अधिकारी गाली दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं डीजी शोभा अहतकर के पक्ष में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीजी शोभा अहतकर जो हैं वो कड़क मिजाज की अधिकारी मानी जाती हैं, उन्हें हंटर वाला भी कहा जाता है। 1990 बैच की अधिकारी हैं, बिहार झारखंड जब एक था तब से वो लगातार कई जिलों के बतौर एसपी और अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाती हैं और विभागीय काम को लेकर काफ़ी गंभीर रहती है। हालांकि मामला जो भी हो, लेकिन अब इसकी जाँच होनी चाहिए और इस मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या इस मामले पर डीजी के तरफ से कोई कुछ बयान आता है या फिर आईपीएस अधिकारी जो हैं विकास वैभव क्या इस मामले को आगे तूल देते हैं या फिर ये जो मामला है यहीं पर शांत हो जाता है। लेकिन यह गंभीर मसला है और इस पर जो है जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सी बात को लेकर दोनों जो अधिकारी हैं वो आपस में इस तरह का बर्ताव करते हैं। कोई कैसे जूनियर को गाली दे सकता है यह भी चिंता की विषय है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।